रहे थे कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु कैसे प्रकट हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे आते। कहते भगवान कृष्ण आए क्यों, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अजो अपि सन अभयात्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मवाया। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। पर भगवान क्यों जन्म लेते हैं इसकी विषय पर हमारे संत लोग ने बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई है। इसको पीछे उन्होंने 10 कारण बताए कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लेते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा, कल आप सब मैं सुनूंगा, ठीक है। अभी ध्यान लगा कर सुनो, कृष्ण क्यों जगत में आए हैं। कहते उसका कुछ साधारण कारण और कुछ उसमें विशेष कारण है। बोले साधारण कारण क्या है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लगे, गो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों को पालना करता हूँ। कहिए एक कारण है। क्या दूसरा कारण है, बोले अनुग्रहाय भक्तानाम करोमी विविध क्रिया। बोले भक्तों के ऊपर में मैं कृपा करना चाहता हूँ। अगर कृष्ण जन्म नहीं होते, कल हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया फिर क्या हम कथा सुनते यहाँ बैठ कर अपना घर में बैठ कर टीवी देखते नहीं तो दुनिया की बात करते। इसलिए भगवान हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला की है। कितना कारण हो गया, अब गिन नहीं रहे ना, कितना हो गया, 2 कारण हो गया। अच्छी तरह से गिनो, मैं कल सबको पूछूंगा, ठीक है। तीसरा कारण बताए, कल हम लोग जब कृष्ण चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए तब देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको हमने बालक रूप में प्रार्थना किया कि सारे भोग त्याग करके 10,000 साल तक वृक्ष से अपने आप जो पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा कर भजन किया। हमने कहा भैया बताओ क्या चाहते हो, बोले आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। बोले मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं, मैं ही तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊंगा, इसलिए भगवान को बेटे रूप में आना पड़ा। कभी ये कारण, कभी ये द्रोण और धरा, ये दोनों भी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा बोले बताओ क्या चाहिए, बोले हमें ये वरदान दो जैसे स्वाभाविक रूप में एक माँ की पेट से बेटा जन्म लेता है, मेरे पेट से जन्म लेता है, और जैसे बच्चा अगर कभी उद्धव करे मैया क्या करती, डंडे भी मारती है, कान भी मोल देती है, कभी उसको शासन करती है, धपटती है, ठाट लगाती है, कभी उसको स्तन पिलाती है, फिर अंगुल पकड़ पकड़ गर्भ से जन्म हुए, और मैया जसोदा जिनको शासन करती थी, पलने में झुलाया करती थी, और कभी मखन खाए ना, बोले तुमने मखन खाई, कृष्ण डर से बोलते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। इसलिए कहती है चौथा कारण है। कहते पंचमा कारण, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, रावण का बहन जो सुपर्णखा थी अभी प्रभु राम को देख करके एकदम मुक्त हो गए, बड़ी सुंदर सज करके आए। बोले भगवान हमारे जोड़ी बड़ी प्यारी बनाई, हमारी बड़ी प्यारी जोड़ी बनाई, मैं जितना सुंदर ही हूँ भगवान तुम्हें भी इतना सुंदर बनाए, मतलब आपसे भी ज्यादा मैं सुंदरी देखने, इसलिए मेरे से शादी कर लो। बोले मेरे तो ऑलरेडी एक पत्नी है, ये सीता है, इसलिए मैं दूसरे शादी नहीं कर सकता हूँ। इतने में लक्ष्मण गए थे लकड़ी लेने के लिए जंगल से, जब लक्ष्मण आए बोले ये कौन है, बोले ये मेरे छोटे भैया है, बोले इसकी कोई पत्नी अभी नहीं, बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ, बोले तेरी जैसे मनमान इसको कौन रोक सकते, कुछ करके देख लो। बोले लक्ष्मण शादी कर लो,
बोले बड़े भैया से कुछ बोल रहे थे, बताओ तुम रानी बनना ना दासी बनना चाहते? बोले रानी, बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना फिर सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहाँ रानी बनने के स्वप्न देख रहे, जाओ प्रभु के पास में जाओ। फिर प्रभु राम ने इनकार कर दी, फिर लक्ष्मण इनकार कर दी। इतने में सुपर्ण कहा, बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं चचना करने के लिए नहीं आई हूँ, रावण की मैं बहन ही हूँ। इतने में सुपर्ण खा ने अपना आप घटाल रूप धारण किया। इतने में राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया तो लक्ष्मण उनको नाक ही काट दिया। फिर नाक क्यों काट दिए? भैया शादी नहीं करना, शादी मत करो, तुमने नाक क्यों काट दिए? बोले जो लक्ष्मण है ये गुरु है। बोले गुरु का काम है शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान काट दो, बताओ दुनिया में उसको कोई पूछेगा? फिर बोले और किसी की तो बन करके मत रहो, केवल राम की बन करके रहो। फिर वही सुपर्ण था, फिर कृष्ण लीला में ये कुब्जा बन करके आती, फिर कृष्ण उनको सही करके शादी करते, फिर कुब्जा आपके साथ में। कितना कारण हो गया आप लोग गिन नहीं रहा, कितना हो गया? 5 कारण हो गया। इसलिए इसके लिए 6वां कारण बताए, बोले जिस समय राम और लक्ष्मण ये जनकपुरी में गए, गुरुजी विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरुजी थोड़ा आदेश दो, ये जनकपुरी थोड़ा दर्शन करके आओ। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन देख करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए, एक बार जो प्रभु को दर्शन करे हल्ला मचा दिए, हैं बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए, क्या सुंदर दोनों प्रभु की जोड़ी, एक श्याम रंग की, एक है गौरव रंग वर्ण की, एक नीलांबर दूसरे पीतांबर पहने, धनुष आन हाथ में, क्या सुंदर प्रभु की जोड़ी। अभी जितने सब किशोरिया थी ना जनकपुरी के, सब राम को देख लेकर के, राम तो काले और लक्ष्मण थे गोरे, लक्ष्मण गोरे राम काले, काले मतलब दुर्गा दल श्याम, लेकिन हे तो काले लेकिन गोरे को भी मात करने वाले, इतने सुंदर प्रभु थे। इसलिए इनको देख देख करके सबके सब किशोरिया सोच रहे थे कि क्या हमारे पति बनेंगे, ये क्या हमारे कभी पति बनेंगे। भगवान सबका हृदय की बात जानते हैं, हैं सभी हृदय की बात जानते हैं। इतने में जब जा रहे थे ना, जो झरखों से देख रहे थे वो तो देख रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी, लेकिन भगवान राम का एक विशेषत्व था, कभी भी वो सर उठा करके नहीं देते थे, कभी भी पराई स्त्रियों के प्रति कभी नजर तो प्रभु नहीं लगाए है, हर समय सर को नीचे करके चलते थे। अभी वो जो छत के ऊपर में खड़ी थी, उनको भी इच्छा दर्शन करे, उन्होंने थोड़ा खासे करके, तो खास मतलब प्रभु थोड़ा देखे ऊपर में प्रभु का दर्शन हो, लेकिन प्रभु तो कभी ऊपर देखते ही नहीं, वो तो सर नीचे करके जा रहे थे। लक्ष्मण कौन? बोले गुरु। बोले गुरु का काम किया? बोले जीव को परमात्मा से मिला, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण प्रभु से प्रार्थना किया, बोले प्रभु जी थोड़ी सी ऊपर तो सर उठा करके देखो। राम बोले, लक्ष्मण ये मायापुरी जनकपुरी है, खबरदार ऊपर हाथ सर नहीं उठाना, सर नीचा करके चलो, सर नीचा करके चलो। लेकिन लक्ष्मण बारम्बार प्रार्थना कर रहे थे, क्यों? गुरु है ना, बड़े दयालु है, संत हृदय नवनीत समाना। बोले प्रभु एक बार देखो ना। इतने में प्रभु राम का ऊपर देखे ना, वो जितने किशोरियां राम को देख करके सबके सब बेहोश हो गए, और जब उनकी होश आया ना, सबके सब राम को पीछे पड़ गए, बोले शादी कर लो। राम बोले, लक्ष्मण देख लिया, पहले तुमको मना कर रहे थे ना, देखना नहीं ये माया बोले, अभी शादी कर। राम ने कहा, देखो इसी अवतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। तो सबके सब गोपी बन करके आते हैं और कृष्ण सबका स्वीकार करते हैं। देखो कृष्ण ये ऐसे के देवता है ना, आप उनको किसी रूप में उनको पास में आ जाओ, किसी रूप में आ जाओ, लेकिन राम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, किसी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे राम। लेकिन कृष्ण ही ऐसे के देवता है, आप किसी रूप में भी प्रभु के पास में आ जाओ ना, प्रभु कुबड़ी को भी छोड़े नहीं, राक्षस को भी छोड़े नहीं, प्रभु किसी को छोड़े नहीं। जो एक बार आए और एक बार बोल दिए प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, बस ठाकुर सब तो ग्रहण कर लिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
बोले श्री नंद के लाला की जय। कि जिस समय कल आप लोगों ने दर्शन किया जब भगवान वामन आए, बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला, और भगवान तो स्वयं वामन मन करके आए, बड़े सुंदर ठाकुर जी। अभी माताओं का के स्वभाव है, अगर कोई सुंदर किसी बच्चे को देखे ना, उनके मन में इच्छा होती है इनका हम गोद में लेकर प्यार करें। अभी भगवान वामन बन करके आए, इनके रूप देख करके रत्नमाला तो मुक्त हो गई। अगर ये मेरा बच्चा बनता ना, इसको दिन भर में गोद में लेकर प्यार करती। भगवान घटघटवासी सब जानते हैं, बोले कोई बात नहीं, मैं तेरा बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन जब उन्होंने दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, गरुड़ जी को बुलाए, बोले इसको नाग पास बंधने में बांध दो। जब बांध दिए, रत्नमाला सोच रही है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ तो ले ही लिया, अरे मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटा बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगे, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, मैं बेटा भी बनूंगा, तेरे जहर भी पीऊंगा। वही क्या बन करके आई कृष्ण लीला में बताओ। हाँ, हम लोग सब जानते, लगता है सब बड़े पंडित हम लोग बैठे, इसलिए वो फुतना बन करके आई। फिर भगवान को उन्होंने गोद में मिली और ठाकुर जी जहर भी दे दिया है। बोले ये भी एक कारण है। कितना कारण हो गया, कितना हो गया? नहीं अब लोग गिने नहीं, सात में हो गया ना, आठ हो गया, सात हुआ, अभी तक दस नहीं हुआ, ठीक है कितना हो गया, सात हो गया, सात हुआ ना, आठ हुआ, सात हुआ है। हरे कृष्णा। उसका आठवां कारण बताए, आप लोगों ने रामायण पढ़े होंगे है। जिस समय एक धोबिनी कोई थी, वो गई थी अपना पीहर, जब आ रही थी रास्ता में एक नदी पार करना पड़ता है, लेकिन उसी समय में हो गया था शाम और रिमझिम बारिश हो रही थी। कपट ने इनकार कर दिया, बोले रात को मैं नदी पार नहीं करा सकती। लेकिन उसको मजबूरी में एक रात वो कपट को घर में बिताना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, पति ने बोला तुम दूसरी रात में कहाँ थी, तो उन्होंने ये बात बता दी, बोले देखो मैं राम नहीं हूँ, रावण ने सीता को उठा करके ले गया लंका में और एक साल तक रखा, लेकिन सीता जब वापस आई ना, फिर भगवान ने राम फिर बराबर आसन दे दिया, सिंहासन में बैठा दिया। मैं राम नहीं हूँ, मैं तुमको घर में स्वीकार कर सकता हूँ, इसलिए जिस घर में बिताए ना जिंदगी भर वही में बिताऊँ। लेकिन वो केवट को बता ही नहीं था, क्या बता नहीं था, रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया वो सीता थी नहीं, वो सीता थी नहीं। आप लोग रामायण देखे होंगे हैं, जिस समय रावण आने से पहले राम को सब बात पता चली गया था, तो उन्होंने सीता जी को अग्नि को पास में रखा, बोला अग्नि मेरे सीता को तब तक रखना जिस काम के लिए मैं जगत में आया हूँ, संतों को परित्राण और राक्षस को वध करना, जब तक ये रावण को सवन समय विनाश नहीं कर देता हूँ, तब तक ये सीता को तुम अपना पास में रख लो। इसलिए वो रावण ने जो सीता को उठा करके लेकर गया था, वो सीता थी नहीं, वो नकली सीता थी, क्योंकि जो सीता है ये जगत अम्बा जगत जननी है, माँ लक्ष्मी स्वयं। रावण इनको स्पर्श क्या करेगा, तभी सीता को देख भी नहीं सकता है सीता को, क्यों, वो माँ लक्ष्मी साक्षात है। लेकिन अभी ये धोबी को बता ही नहीं था, वो नकली सीता थी है, नकली सीता थी। इसलिए भगवान राम को है, इसलिए भगवान राम को ये जगत में माताएं सती बन करके रहे, इसलिए उन्होंने सीता को उन्होंने चिरकाल के लिए उन्होंने त्याग दे दिया। जब त्याग दे दिया, हर साल राम एक एक यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो जब तक पत्नी नहीं होना आप यज्ञ नहीं कर सकते, तेरे पिता भी तो तीन शादी किया ना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तीन शादी थी, तो और के साथ ही कर सकते हो। भगवान राम बोले नहीं, राम सीता के सिवाय और किसी को ये ग्रहण नहीं कर सकते। बोले क्यों, भगवान ने जगत में ये मर्यादा को स्थापन करना चाहते हैं, इसलिए पुरुष लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं, जब एक पत्नी को अपने शादी कर लिया, दूसरे पत्नी ग्रहण नहीं करना, दूसरे पत्नी को ग्रहण नहीं करना, शादी एक को साथ में रह करके अच्छे तरह से धर्म का पालन करके रहो। और माताओं के लिए भी शिक्षा दिया, सीता क्या फिर दूसरे शादी कर ली, सीता ने
उन्होंने दूसरे शादी नहीं की, क्योंकि वो भी उन्होंने मर्यादा को भी उन्होंने रखा कि बोले नहीं एक पति व्रता धर्म जाजन करनी चाहिए। इसलिए बोले नहीं मैं तो और शादी कर ही नहीं सकता हूँ, आप और कोई उपाय बताओ। बोले आप सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने 11,000 साल तक प्रभु राम राजत्व किया, हर साल एक एक यज्ञ करते रहे और हर साल में एक सोने की सीता बनती थी और वशिष्ठ जी उनका हृदय में प्राण संचार करते थे और सीता साक्षात बन जाती। अभी इतने सीते गए था, 11,000 सीता सब गए था, पर ये सब के सब कृष्ण लीला में वो गोपी बन करके आए और भगवान कृष्ण इनको सबके सब भगवान कृष्ण इनको स्वीकार किया है ठाकुर जी। तद ये भी एक कारण है जगत में है भगवान कृष्ण को क्यों जगत में आना पड़ा। कितना हो गया? 8 हो गया। नवमा कारण बताए, जब राम लक्ष्मण सीता कंदकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग हजार हजार सालों से गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे। अब गोपाल मंत्र का अधिष्ठान देवता कृष्ण और कृष्ण राम और श्याम देखने में बराबर है। जब प्रभु राम वहां पर पहुंचे, अभी राम को देखकर उनको श्याम भी याद आए, तब जितने ऋषियों ने कहा राम हमसे शादी कर लो, लेने ये कृष्ण अवतार में ही मैं ग्रहण सबको करूंगा, इसलिए तुम सबके सब गोपी बन करके आओ। इसलिए जितने ऋषि लोग थे ना वही सबके सब गोपी बन करके आते हैं और कृष्ण इन सबको स्वीकार करते हैं। कितना हो गया? 9 हो गया। दसवां कारण बताए, एक दिन वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी की चंदन, ये एक समय वैकुंठ से उसका सुगंध प्रवाहित होते 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 ये ब्रह्मलोक में आया। अब ये चतुसन ब्रह्मा का जो मानस पुत्र थे, इनके नासिका में प्रवेश करते ही ये तो एकदम उन्माद हो गई। बोले कितने सुंदर सुगंध थी, बोले पिताजी कितने सुंदर सुगंध थी कहाँ से आ रहे हैं। बोले बेटा ये ठाकुर जी की चरण तुलसी चंदन की खुशबू। बोले पिताजी जिसकी स्वरूप जिसकी चरण तुलसी में इतने खुशबू, वो कितने खुशबू नहीं होंगे। बोले हाँ बच्चों वो बड़े सुंदर है। बोले पिताजी दर्शन करके आ सकते हैं। बोले जाओ दर्शन करो। बोले क्यों? बोले ये जो चतुसन पहले भगवान को निराकार मानते थे, भगवान को कहते ये निर्विशेष, इनका रूप नहीं गुण नहीं, दिन भर ध्यान में बैठते थे है ये भगवान को, लेकिन ब्रह्मा जी को पता था। तब तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहेंगे। बोले तब तक, बोले जब तक प्रभु का दर्शन नहीं कर लेते। इसलिए जब भगवान को एक बार दर्शन कर लेना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कत आति हर सीता, इन्हें बिलो कत आति हर सीता, इन्हें लेकिन जब भगवान राम जनकपुरी में आए ना, बस राम को दर्शन करते ही अपने आप वो जो भगवान को निराकार ब्रह्म ब्रह्म कहते थे वो अपने आप भूल गए, अपने आप भूल गए। भूल कर क्या हुआ? भगवान की भक्ति रस में संपूर्ण रूप में सराबर हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा तब तक ये निराकार कहीं जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं करते हैं। बोले जाओ दर्शन करके आओ। 6 दरवाजा तो पार हो गए। जब सप्तम दरवाजा में जा रहे थे, जय विजय छड़ी लेकर खड़ी रास्ता रोक लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? नंगे धनगे
पांच साल उम्र के कोई पूछ नहीं रहे हो, पता नहीं अंदर में लक्ष्मी नारायण क्या करते होंगे, बिना पूछे अंदर में जाए, रुक जाओ यहीं पर। जब रोग लिया ना, जैसे सोई हुई सर्प को चढ़ दिए, बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए पूछने का जरूरत है, जाओ तुम दोनों को हम अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओगे। अभी तो रोने लग गए, अभी इनकी रोना धोना देख कर भगवान अंदर से आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे हो गया। बोले देखो अगर तुम दोनों मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तीन जन्म बाद में आ जाओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी यहाँ आना चाहते, बोले जाओ राक्षस जन्म में जाओ। वही जय और विजय सत्य युग में रावण कुंभकर्ण बने, सत्य युग में हिरण्यकशिपु बने, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र बन कर आए। जब कृष्ण हाथ में मरे तब ये दोनों को खैर मुक्ति हुई, फिर ये दोनों वैकुंठ में गए। कितना कारण हो गया? आप लोगों का याद रहेगा दस कारण, इसलिए कल आप लोग को एक एक कारण बताना, ज्यादा नहीं, आप मेरे को एक एक कारण बताना, दस कारण बताने का जरूरत है, ठीक है ना। कल मेरे को एक ही का एक एक सब एक ही कारण बताना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम लोग कथा सुनेंगे कृष्णा गोकुल में कैसे जन्म हुए। कहते श्री नंद जी का जो पिताजी, उनका नाम था श्री परिजन बाबा। कहते श्री परिजन बाबा के, कहते उनको पांच बेटे थे, कहते उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन, इनका पांच बेटे थे। हरे कृष्ण, ध्यान देकर सुना। देखो ये जो कथा है ना, आपको नए कथा सुनाऊंगी, ये कथा आप कहीं नहीं सुने होंगे, इसलिए कथा ध्यान देकर सुना। आप तो भागवत तो सुने होंगे, लेकिन ये कथा आपको नहीं सुनाओगे। अभी इन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने ये वृंदावन की उन्होंने कथा सुनाया। अभी इनको पांच बेटे हैं, अभी पांच बेटे होने पर अभी पहले होता था चार आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, पहले हर बच्चे जैसे अभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करते 25 साल तक, पहले हर बच्चे गुरुकुल में जाते थे। इसलिए आप लोग रामायण देखे होंगे, राम लक्ष्मण भी गुरुकुल में गए, अब कृष्ण लीला देखे होंगे, ये कृष्ण भी गुरुकुल में गए हैं, कृष्ण बलराम भी गुरुकुल में गए, पिछले 25 साल तक गुरुकुल में रहते थे। जब गुरुकुल खत्म हो जाता था, फिर गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटे बताओ अभी क्या करोगे, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। अभी जिनको ये पता चलता था ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान बार बार ये मानव शरीर नहीं देते, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवन मिलता है, फिर वो फिर संसार में घर में नहीं आते। बोलते गुरु जी हम तो आपका श्री चरण में रह करके भजन करते हुए जीवन को बिताना चाहते, हम ये संसार में प्रवेश नहीं करना चाहते। लेकिन जिनको ज्यादा ही घर गृहस्थी की भावना होता था, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते, गुरु जी कहते थे बेटा घर में जाओ, लेकिन लव मैरिज नहीं करना, मनमर्जी शादी नहीं करना, तुम्हारी परिवार जैसे जहां जिस जाति जिस वर्ण जिस कुल में तुम्हारे परिवार शादी कराएंगे, आंख बंद करके वहीं पर शादी करना है, वहीं पर शादी करना। इसलिए अब देखना, पहले ये डाइवोर्स फाइवोर्स इतना नहीं होता था, अभी भारत में तो डाइवोर्स 50% डाइवोर्स हो रहा है भारत में है। कारण क्या जानते हो? ये मनमर्जी शादी करना चाहते हैं। इसलिए एक संत कह रहे थे, इस संसार का प्रेम कहाँ से शुरू होता है? आई लव यू। कुछ दिन बाद में होता है आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में होता है आई किल यू। कोर्ट में जाकर के कोर्ट में जाकर के रोज लड़ाई। अब जाओ हमारे गुरु भाई कोर्ट में काम करता है, इसे तो महाराज अब सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे वहां पर घटना आती है, ऐसे ऐसे वहां पर कितनी डाइवोर्स की कितने केसेस आती हैं, हम तो सुन सुन के दंग रह जाते हैं। इसलिए बोलते थे देखो पहले क्या होता था, अब जितने बड़े बूढ़े बैठे हो, अब शादी का समय में पति को देखने के लिए गए थे आप? नहीं देखने। पिता माता जैसे जहां पर शादी करा दिया, आंख बंद करके वहीं शादी करते थे और जीवन बड़ा आनंद से बीतता था। लेकिन अभी कितने लंबी कितने देखने में कैसे, खत्म है तो ऐसे नहीं, काली को गोरी तो नहीं बना दिए,
ऐसे नहीं तोतली तो नहीं, उसके साथ में बात करना, थोड़ी घूम थोड़ा कुछ दिन उसके साथ में घूम करके आते हैं, इतना करने का बावजूद भी टिकता नहीं साथ। लेकिन पहले ये सब कुछ किया, जैसे पिता माता शादी कर दिया ऐसे चले जाते और जिंदगी भर सुख में रहते थे। थोड़ी सी अगर कोई लड़ाई बड़ा हो गया तो डाइवोर्स का तो कोई बात ही नहीं होता था, छोड़ने का तो मन में कभी कोई सोचती नहीं थी। अगर एक दिन कोई कभी अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती ना, बाद में है दोनों मान लेते थे। अभी ऐसे नहीं, जैसे कपड़ा बदलाते ना ऐसे अभी शादी बदल रही है, अब ऐसे हम शादी बदलाते नहीं। इसलिए को भले देखो घर में जाओ, जा करके अपना परिवार का अनुरूप शादी करो, और बोले कब तक शादी करके रहोगे, बोले 50 साल तक, उसके बाद में नहीं। इसलिए देखो 50 के बाद में जो अंक आता है ना, एका बन बा बन चौ बन 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 शब्द आता है, मतलब तत 50 ऊर्धे बनम ब्रजेत, मतलब 50 साल के बाद में शास्त्र कहता है घर में और मत रहा था, कहाँ जाओ, बोले वृंदावन जा भजनगी, शास्त्र मना करता है। बोले क्यों, बोले भगवान ये जो शरीर हमें दिया है, ये जो मानव शरीर भगवान हमें दिया है, क्यों ये मानव शरीर दिया है, ये भगवान को भजन करने के लिए दिया। इसलिए भगवान राम ये अयोध्या वासियों को समझाते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सुधार, ये भगवान राम समझा रहे, बोले मानव शरीर नहीं, ये साधन की धाम है, क्योंकि ये 84 लाख जन्मों के बाद ये शरीर मिला, ये शरीर भगवान बारंबार नहीं देते हैं, और इसी शरीर में ही भगवान की भक्ति कर सकते हो। 84 लाख जन्म में किसी को बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई बोल सकता है, केवल मानव शरीर में केवल एक जीवा दिया, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, केवल दो ही हाथ दिए जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, केवल दो ही प्यार दिए, जो आप लोग घर से यहाँ तक आए हो कथा सुनने के लिए है ना, केवल दो ही आंख दिए जिससे हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, केवल एक ही हृदय दिए जो ठाकुर जी का हम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये क्या है, तो ये चंदन की बाग है, ये चंदन की बाग हमें दिया। हाँ देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, ध्यान दे देते, ये शरीर क्या हमें किसी ये ठाकुर दिया, क्या करनी चाहिए, बोले एक समय कोई एक राजा जा रहा था, कोई एक लकड़हार था, वो जंगल का लकड़ी को काट करके उसको जला करके राख बना करके सब 50 रुपया मार्केट में बहुत कष्ट से बेच करके जीविका निर्वाह करता था। राजा ने पूछा भैया तू क्या करता, बोले यही करता हूँ, बोले देख बेटा आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तेरे को चंदन की बाग दे रहा हूँ, हैं आज से सारे दुख खत्म हो जाएगा। फिर उधर से राजा गुजर रहा था, देखा वो व्यक्ति फिर वही कर रहा है, बोले अभी तू क्या कर रहे हो, बोले पहले जो करता था, बोले पागल तेरे को पता मैंने तेरे को क्या दिया था, तेरे को चंदन की एक बाग दे दिया था, अब वृंदावन में प्योर चंदन की लकड़ी खरीदी करने के लिए जब प्योर 25-30 हजार रुपया में भी आपको प्योर चंदन की एक किलो लकड़ी नहीं मिलेगी, 30 हजार रुपया दे देते, और एक पेड़ में कितना किलो लकड़ी होगा, मतलब एक एक पेड़ नहीं करोड़ों करोड़ रुपया एक पेड़ का कीमत था, और तुमने किया क्या, सारे जंगल को तुमने जला दी, और जला करके तुमने कोयला दर में उसको बेच कर खत्म कर दिया, और तो अरब खरबपति तो बन जाता। देखो इसका मतलब है कि ये मानव शरीर नहीं, ये मानव शरीर क्या है, कि ये चंदन की बाग है, चंदन की बाग हमें भगवान ने दिया, क्योंकि इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करके सारे जन्म मृत्यु का चक्कर से हम निकल सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, ये मानव शरीर पा करके हमने उसको जला करके उसको कोयला दाम में बेच दिया। इसका मतलब क्या जानते हो, देखो ध्यान देकर सुनो,
कहते हम क्या काम करते हैं, बोले दिन में दो काम करते हैं और रात में दो काम करते हैं। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं, बोले पैसा कमाओ और पैसा से परिवार को मेंटेन सिखाओ, तो दिन में ये दो काम करते हैं। बोले रात को बोले सोते हैं और विषय वो करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान राम समझा रहे हैं, बोले बताओ ये चार काम कौन जानवर नहीं कर सकता, ये जानवर की चार काम नहीं कर रहे, बताओ। एक सुअर एक साथ में कितने बच्चे जन्म देता है, 20-20, 25-25 बच्चा जन्म दे रहे, वो 6 महीना में हुआ और उसको बड़ा बनाने के लिए 1 महीना में बड़ा करके छोड़ देता है। खाने के लिए पहले हम माइनर स्कूल में जाते, फिर हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, फिर कोई डिग्री, फिर 10-10 घंटा काम करो तभी जाकर पैसा कमाते हैं, हाँ, पेट को पालने के लिए। बताओ वो कौन सा स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो खाना तो आसानी से उनको मिल रहा है, आसानी से भी। हम तो शादी करके एक पत्नी को साथ में, उसका खरीदारी पत्नियों कितने पत्नियों के साथ में घूमते हैं, हम एयर कंडीशनर रूम में टाका गोली खाने पर भी उनको नींद नहीं आता होगा, वो तो कीचड़ को पर आराम से सोता है, नो टेंशन। इसलिए श्री भगवान राम कह रहे हैं भैया ये मानव शरीर नहीं है, चंदन की बाग दिया है, अगर ये दुर्लभ जीवन पा करके भाई वही खाओ पियो, दो चार बच्चे जन्म दे कर बड़ा करके मर जाओ, कहते भैया जानवर जीवन में तू तो यही काम करते करते आया, तुम किया क्या ज्यादा काम किया। लेकिन ये मानव शरीर को दुर्लभ क्यों बताते हैं, एक कारण है, कहते साधन धाम बक्स करे द्वारा, इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति हो सकती है और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते अगर इस जीवन में भक्ति नहीं किया, बोले भैया हम जानवर से भी गया दिखाए, कोई सक्सेसफुल ये लाइफ नहीं, सक्सेसफुल लाइफ तो भगवान की भक्ति करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं सक्सेसफुल तभी होएंगे जब बॉलीवुड में ना हमें हीरो हीरोइन बन जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा एक स्वप्न है बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, जो हीरो हीरोइन 10-20 साल पहले थे अभी वो हीरो हीरोइन का नाम कोई ले रहे हैं, बोले बताना प्रेजेंट में अभी कौन है हीरो हीरोइन, वो भी 2 दिन बाद में वो भी खत्म हो जाएगी, फिर पूछेंगे नहीं। लेकिन हनुमान जी को देखो क्या हीरो उसने बना, तृतीया युग में आए अभी भी पूजा हो रही, तुलसीदास जी का देखो मीरा का नाम देखो, हाँ ध्रुव प्रहलाद देखो, तो हीरो बनना ना ये करोड़ों साल पहले अभी भी पूजा हो रही है। इसलिए हीरो बनना तो भगवान के भक्त बन कर के हीरो बन गए ना, यही हीरो ही सचमुच से हीरो और उसमें तो सब जीरो है, हाँ। इसलिए हीरो बनना तो क्या करो भगवान की भक्त बन कर के हीरो बनाओ, ठीक है। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री परिजन बाबा की उम्र 50 साल हो गया, उन्होंने सारे बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों 50 साल हो गया, अभी मेरा बाण प्रस्थ का समय हो गया, एका बन बाबन चौ बन, कोई बन में जानी चाहिए, कहते अगर बन में नहीं जाओगे ना क्या होता है, बोले 68-60 मतलब क्या, फिर सठिया बने जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाली नहीं है, पर सठिया बने जाते हैं, बांस जब कच्चा हो ना टेढ़ा कर सकते हो, पक जाए तो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन कहते इनका भी कल्याण हो सकती है, बोले कैसे, बोले 69-70-71 बोले तर भी सकते हो, बोले कैसे, गोस्वामी जी कहते संत बोले सठ सुधरे सत संगत पाना, अगर जीवन में हमें कहीं संतों का संग मिल गया ना, कहते हाँ ऐसे सठों का भी कल्याण हो जाती है, सठ सुधरे सत संगत पाई, जीवन में अगर सत्संग अगर कहीं मिल गया ना उसको, जीवन में सचमुच से कोई साधु का संग मिल गया, कहते ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए उन्होंने 5 बच्चों को बोले अभी हम पति पत्नी हम भजन के लिए जा रहे, बोले ठीक है पिताजी, तो बोले सबसे बड़ा बेटा को मैं राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का कोई योग्यता नहीं, ये जो बीच वाले जो बेटा से नंद यही राजा बनने का योग्यता, तो आप इनको ही राजगद्दी पर बैठा दो, सचमुच से सब खुश हो गए क्योंकि उनका नाम नंद है, नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद दे, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, इसलिए सबको जो आनंद प्रदान करे, उन्होंने कैसे आनंद दिया, कृष्ण को जन्म दिया, कृष्ण कौन है, आनंद गंध है, हैं अब जो कृष्ण को भजन करेगा वो भी आनंद पाएगा, इसलिए उन्होंने पिछला बीच वाले बेटे को उन्होंने
राज सिंहासन में बैठा करके भजन करने के लिए चले गई। लेकिन अभी चार भाइयों का बच्चे केवल नंद बाबा का बेटा है, इसलिए बड़े दुखी है, भविष्य में राजगति को कौन संभालेगा। अभी मैया जशोदा की जो उम्र, जो बच्चे जन्म देने का जो उम्र है ना, वो बीतती जा रही है धीरे धीरे। अभी बड़ी नंद बाबा चिंता में पड़ गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ साधु आए भ्रमण करते करते, इतने में श्री संतों ने नंद बाबा को बोला, बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी करे सो करे फकीरी। लकड़ी मतलब होता है भाग्य, जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है, अगर किसी संतों की कृपा हो जाए ना, सतगुरु से कोई साधु की कृपा हो जाए, कहते वो भाग्य भी बदल जाती है संतों की आशीर्वाद से। बोले बाबा संत सेवा की बड़ी महत्व है, संत सेवा की बड़ी महत्व क्यों, बोले संतों के हृदय में ही भगवान की निवास होता है। हाँ, एक सुंदर कथा सुना, जैसे जो भागवत कथा रखवा रहे ना, देखो ये भागवत का क्या महत्व, ये भागवत में कथा आई। बोले एक समय कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठात देखा कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ, और वो इतने बड़ी गिरगिट ही उसका अंदर में श्वास भी नहीं ले पा रहा था। कृष्ण के बच्चों ने कोशिश की निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं सके। कृष्ण को बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ, देखो कैसे गिरगिट फंसा हुआ। कृष्ण सब जानते हैं, इतने में कृष्ण जब अपना चरण को बढ़ाए, वो चरण स्पर्श होते ही जो गिरगिट था वो बड़ा सुंदर, उन्होंने एक राजा का स्वरूप, एक देवता जैसे बने। कृष्ण तो आश्चर्य में पड़ गए, कृष्ण का बच्चे भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले आप कौन हो, बोले प्रभु आप क्या नहीं जानते हो, आप सुने होंगे सत्य युग में एक राजा था जिनका नाम था नृ। बोले हाँ सुना है, ये तो पृथ्वी का सबसे बड़े दानी है, कहते धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश को बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन इनके दान को कोई नहीं गिन सकते। उन्होंने इतनी गैया दान दी, जो गैया केवल एक ही बछड़ा जन्म दिया, सींग को सोने में बढ़वा करके, कुरा को चांदी में बढ़वा करके, इतनी उन्होंने दान दिया। बोले फिर अब ये गिरगिट क्यों बने थे, बोले बीच में मेरी एक गलती हो गई, मैंने संकल्प करके एक गैया मैंने एक ब्राह्मण को दिया, लेकिन भूल से वो गैया कैसे भागते हुए कैसे दूसरी गैया में मिल गई, हमें पता ही नहीं चला, फिर मैंने संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। पिछला दिन जिसको दिया था वो ढूंढते ढूंढता आ रहा था गैया का, देखा दूसरा ब्राह्मण लेकर जा रहे हैं, अभी दोनों में मेरी तेरी करके लड़ाई हो गई, ये मेरी। बोले नहीं राजा मेरे को कल दिया था, बोले राजा अभी मेरे को दिया। लड़ते लड़ते राजा को पास में आए, राजा तो कांप उठे, बोले क्यों, जब हमने एक गैया को एक बार संकल्प करके दे दिया, फिर हमारी कर्तव्य नहीं फिर संकल्प करके फिर दूसरे को दो, इसलिए अनजान में इनकी गलती हो गई, उन्होंने माफी मांगी। बोले इसका विनिमय में 10 गैया ले लो, एक छोड़ दो। बोले नहीं हमें तो यही गैया चाहिए। बोले 100, बोले नहीं 1000, बोले नहीं 1,00,000, बोले नहीं, बोले करोड़, बोले नहीं हमें यही। अपना बात पर अड़ गए। बोले गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, तेरे को गिरगिट बनना पड़ेगा। अभी मरने का बाद जब जमपुरी में गया, इनकी कापी खोले, चित्रगुप्त बोले महाराज जी इतने इनकी दान है ना, इतने इनके पुण्य है, अखय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन गलती से इनका एक गलती भी हो गई, गैया को दे करके दूसरे को दे दिया, यही केवल गलती, उन्होंने अभिशाप दिया गिरगिट बनना पड़ेगा। इसको पूछे बताओ पाप लोगे ना पहले पुण्य लोगे, बोले जब पाप थोड़ी सी मेरे पाप ही दे दो पुण्य तो जाओगा स्वर्ग में। बोले जाओ गिरगिट बनो। बोले कब की कथा है, बोले ये सत्य युग की कथा है। बोले अभी कौन सा युग, बोले द्वापर का अंति, मतलब करोड़ों साल तक उसने गिरगिट बनकर रहा। यहाँ पर प्रश्न होता है फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिले, कहते पुण्य करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तब तक आप स्वर्ग में रहोगे जब तक आप पुण्य खत्म नहीं हो जाता है, सो पुण्य खत्म होते फिर आओगे। लेकिन इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिला, पुण्य का फल कृष्ण दर्शन नहीं है, पुण्य का फल स्वर्ग है। हाँ देखो ये भागवत महिमा क्या है, कहते इनके स्वभाव में था दान करना, सचमुच से इनके दरबार में सचमुच से कोई एक सुखद साधु आया जो भजन परायण संत आया, तो उन्होंने एक स्वभाव था दान करना, तब वो संतों को बैठा करके उन्होंने खाना खिलाया। बोले बाबा कुछ इच्छा हो तो मांग लो, कुछ चाहिए। बोले
मेरे मन में भागवत पढ़ने का इच्छा है, मेरे को एक भागवत ग्रंथ दे सकते हो। उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो ताल पत्ते के ऊपर में 18,000 श्लोक हो उन्होंने लिखवा करके उन्होंने वो संतों को दिया। वो संत भागवत को लेकर के रोज ये भागवत पढ़ते थे। बोले भागवत कौन है? ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ। इसलिए उन्होंने भागवत जो दान किया था ना, इसी भागवत दान का फल मिला साक्षात भगवत दर्शन, कृष्ण दर्शन और भगवान की चरण की स्पर्श और जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवत धाम को। क्योंकि ये भागवत दान की इतने महत्व, ये भागवत दान के क्यों? कि साक्षात भगवान है। श्रीमद भागवत कथा मृता मकी, जो सब सोरे में देख रहा हूँ, जोर से भागवत की जय कर दो। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मकी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए संतों को जब उन्होंने भोजन करवाया नंद बाबा ने, बोले कोई चिंता मत करो, गोकुल में खाने पीने का कोई कमी नहीं, कुछ दिन गोकुल में रह रहो। संतों लोग ने हृदय से आशीर्वाद दिया, बोले जाओ नंद, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट है, नंद के घर में लाला हो। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री नंद जसोदा दोनों ने स्वप्न देखा, इतने में उनकी स्वप्न खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक श्याम रंग का एक सुंदर बालक दौड़ रहा है और तुम्हारे स्तन पान करते समय ये दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता दिख रहा है। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, तेरे गोद में सचमुच से कोई लाला है। नंद जसोदा बोले आप भी सुन लो स्वप्न मेरी। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा है कि सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे मैया 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 करते करते आ रहा है। अब कपड़ा खींचते हुए मेरे को गोद में उठा ले, मेरे मैया को दूध पिला दे। मेरे को लगा नहीं कैसे स्वप्न, लगा सचमुच से कोई बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण की, पूरा ब्रज में हला हो गया। बोले भैया देखो संतों की कितनी कृपा है, ये बूढ़ी उम्र में भी जहाँ बच्चे जन्म देने का कोई भी चांस नहीं हो, संतों का ऐसा आशीर्वाद है, ये बुरी उम्र में भी मैया जसोदा गर्भ धारण की। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना तुम्हारी जैसे, छह छह महीना पहले 84 गज के लहंगा बना करके रखे, सुंदर चुंदरी बना करके रखे। और जितने गोप लोग थे सबके बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके रखे, सबके साम बधाई देने जाएंगे। अभी पहले तो मशीन नहीं होता था, लेकिन ये बड़ी बुढ़िया कुछ लक्षण देख करके बता देते थे, बेटा होगा ना बेटी होगा। एक बड़ी बूढ़ी गोपी जसोदे से बोले जसोदे लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाला। बोले पता कैसे चला? बोले तेरा जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है तुम्हारी होठ, इसका मतलब है बेटा होने वाला है। एक गोपी बोले तुमने कुंवारी बड़े में जुड़वा केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों? बोले लगता है तुम्हारे गर्भ में दो बच्चा है और कृष्ण जो माया दो बच्चे थे। गर्भ धारण करते समय चटपटी चीजें अच्छी लगती है। बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। बड़े सुंदर खीर बना करके ठाकुर को भोग लगाया, फिर मैया जसोदा को खिलाया। एक होता है गर्भ संस्कार, देखो ध्यान देख रहे माता है सुनो विशेष करके। गर्भ संस्कार का मतलब होता है जब गर्भ में बच्चे हो माताओं को उल्टा पुलटा फिल्म नहीं देखनी चाहिए, गंदी गंदी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि उसी समय जो चीज देखोगे ना वो बच्चों के ऊपर वही संस्कार आती है। इसलिए नियम है, आप लोग रामायण पढ़े होंगे, जब माता सीता गर्भ धारण की थी भगवान राम संतों को बुलाया, वहां पर सत्संग हुई, सीता जी के लिए आसन दी गई। भगवान बोले सीते पता है आज ये साधुओं को भी हमने बुलाया। बोले क्यों? बोले अभी तो गर्भवती हो, अभी तुम सत्संग सुनोगे ना तुम्हारे बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर आएगा, बड़े विद्वान बनेगा। अब रामायण देखे हो, लव कुश देखे, कौन कौन लव कुश देखे हो? सबके सब देखे होंगे। क्या उन्होंने बलवान, क्या प्रखर बुद्धि उनकी हुई है। इसलिए ये गर्भ संस्कार, भगवान के सुंदर सुंदर उनको पिक्चर दिखाओ, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर फोटो दिखाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, बच्चा बड़ा संस्कारी बन करके बच्चा आएगा। देखना आप लोग संसार में देख लेना,
कोई कोई बच्चा तो बड़ा आज्ञाकारी होते हैं, पिता माता का आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन ना कोई कोई बच्चे ऐसे उद्यमी होते हैं पिता माता की बातें नहीं सुनते। बोले कारण क्या, कभी गर्भ संस्कार। इसलिए मैया जशोदा को सुंदर सुंदर भगवान की फोटो दिखाई जा रही थी, भगवान की सुंदर सुंदर फोटो को देखती थी, रामायण सुनते थे उस समय में। हाँ, गर्भ संस्कार अभी लग रहा था, जैसे आज रात को ही कोई बच्चे का आज शायद जन्म होने वाला है। गांव में तो 8 बजे तक जगे रहते, उसके बाद में सो जाते हैं, सबको मजीरा ढोलकी पकड़वा दिया, बोले कीर्तन करते रहो, लग रहा है आज कोई बच्चा जन्म हो जाएगा, इसलिए सबके सब कीर्तन गा रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी सगरी सगरशाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी सगरी सगरशाला। इसलिए वो 6 महीना पहले से आकर के वो बैठ हुई घर में,
कब श्री नंद के लाला होगा और दहेज लाला की हार कब मेरे को मिलेगी। अभी ये सुनंदा ने सबसे पहले इसकी आत होगी, इसकी नींद नहीं आ रही, तो बोले क्यों, बोले नवला की हार मिलेगी ना, कब जल्दी से जल्दी बच्चा हो अपना हार लेकर के नवला के घर में जाओ। अभी सबसे पहले इसकी नींद खोली, बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए, पता नहीं भाभी का क्या हालत है। उनने दरवाजा खोल करके देखा, देखो आप लोगों बच्चे को जन्म दिए होंगे, आपको पता होगा प्रसव का पीड़ा इतना पीड़ा होता है, इतना आपको पता होगा, लेकिन कृष्ण जन्म हुए यशोदा को पता भी नहीं चली। कारण है कृष्ण कौन है, इसलिए कहते नंद के आनंद भयो, कृष्ण कौन है, बोले परमानंदम, ये पूर्ण ब्रह्म सनातनम कृष्ण, ये स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान जन्म लेने पर कष्ट नहीं होता, ठाकुर जी जन्म लेने पर कष्ट नहीं होता है, गर्भ पीड़ा तो सबको होता है, लेकिन अगर कोई शुद्ध साधु भी आए ना गर्भ में, कोई अच्छे साधु अगर किसी माँ के पेट से जन्म हुए, सुखदेव गोस्वामी कितने साल तक से 16 साल तक थे, लेकिन भैया को कष्ट नहीं होती थी, बोले क्यों, एक संत गर्भ में आ रहे हैं। अगर कोई संत अगर गर्भ में आए तो कष्ट नहीं, अगर अगर स्वयं भगवान अगर किसी गर्भ में आए तो कष्ट हो सकता है। इसलिए कृष्ण तो जन्म हुए, लेकिन मैया को ना थोड़ी सी मीठी मीठी तो दर्द हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं चली बेटा हुआ ना बेटी, उनको पता ही नहीं चला। इतने में सुनंदा की सबसे सब पहले सुनंदा की आग खुली, बोले भाभी का क्या हालत, देखा दरवाजा खोल करके बड़ा सुंदर श्याम सलना सा एक बालक उनकी गोद में किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया पता नहीं बच्चा का कब जन्म हो गया, सब सोए पड़े हुए। बोले ये सबसे पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, भैया को क्यों नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा है कहा, ढूंढो, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके देखा नंद बाबा माला जप कर रहे और माला जप नहीं हो पा रहा है। वो सोच रहे थे नंद के छुरा कब है वो, हाँ घर में छुरा कब है वो, लाला कब है वो, लाला कब है वो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने जा करके बोल दिया, भैया कमाल है गये हुए, इतना सुनते ही तो नंद बाबा तो छलांग लगा दिए। बोले बहनी कहा भयो है, बताओ कहा भयो है। बोले भैया ये तो बताओ पहले मेरे को क्या मिलेगा, पहले ये बात बताओ मिलेगा क्या, फिर तुम्हें बताऊंगी। बोले ले नवला की हार तू ले ले। बोले भैया बात इतनी बड़ी है ना, जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या नवला की हार कुछ नहीं। बोले हाँ इतने बड़ी बात बता दे और क्या दोगे। बोले यमुना किनारे में जितने गैया चलते हैं ना, जितने जमीनी जगह तेरे नाम पर कर दिया, सारे नाम तेरे नाम पर हो गया, बता घर में कहा भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने वो जमीन भी कुछ नहीं। बोले क्या इतने बड़ी बात है। बोले हाँ। बोले और क्या मिलेगा। बोले ये ट्रेजरी का सारे चाबी का पकड़ ले, जो इच्छा हो खोल करके ले लेना। बोले भैया बात इतने बड़ी, तुम्हारी ट्रेजरी का चाबी काटी उसको सामने कुछ नहीं। बोले क्या सारे ट्रेजरी का चाबी काटी तेरे को पकड़वा दिया, अब तू कह रहे उसको सामने भी कुछ नहीं। बोले हाँ भैया इतने बड़ी बात तेरे को सुनाने के लिए जा रहे हो, कुछ भी नहीं, बताओ और क्या मिलेगा। बोले आज से ना मैं तेरा ही हो गया, बताओ घर में कहा गये हो। बोले भैया तेरे घर में क्या हुआ है, तेरे घर में लाला आ गये हो। बोले श्री नंद के लाला की जय। में आनंद नहीं आया, जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाला की। नंद बाबा तो वही सही दौड़ लगाए, ब्रजवासी बोले नंद बाबा अभी बधाई देने के लिए सारे ब्रजवासी आए हैं, प्रसाद धज कर जा, बड़े सुंदर बगल में दी टोपी पगड़ी बना दी, गले में माला सुंदर तिलक लगा दी। बोले शीशा में देख के इसे लग रहा, बोले बढ़िया चौकल लग रहा, बढ़िया लग रहा, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले क्या, बोले ताही थोड़ी सफेद दिख रहा है। बोले चिंता मत कर उसको भी कलर कर देते हैं उसको। बोले और देख, बोले वाह अभी तक तुम पट्टा है, अभी तक तुम जवान लग रहा। बोले जाओ जा करके, क्योंकि उन्होंने एक लाला के लिए कितने तपस्या उन्होंने की, बड़ी कठोर तपस्या की, कितने यज्ञ किया उन्होंने, कितने तीर्थाटन किया उन्होंने, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन ये बेटा कैसे हुई, तीसरी एकादशी व्रत से ये व्रत हुई, कल एकादशी व्रत है, इसलिए एक एकादशी का नाम छब्बीस में एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो एकादशी नंद बाबा ने कहते हैं, कोई कोई कहना है उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखा था, जिससे उनको ये पुत्र की लाभ हुई है।
और श्री आशीश्वर महादेव को उन्होंने पूजा की थी। आशीश्वर महादेव को इतने में आकाश वाणी हुई, बोले नंद, हाँ परजन बाबा, नंद बाबा के जो पिताजी थे, सबका बेटा नंद बाबा को बेटा नहीं था, परजन बाबा जब आशीश्वर महादेव को उपासना की, उनका आकाश वाणी हुई, बोले परजन तेरे बेटा का एक ऐसे एक बेटा होने वाला है ना, जिस बेटे से सारा दुनिया की तुम्हारी नाम उजला होगा, जो पूरा तुम्हारी वंश को आगे बढ़ाएगा, सारा दुनिया में तुम्हारी नाम को जो है प्रशंसा करेगा, ऐसे तुम्हारी एक बेटा का बेटा होने वाले, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। इसलिए अभी श्री नंद बाबा आकर के उन्होंने क्या किया, पर ये संत और ब्राह्मण का आशीर्वाद से आज मेरे को ये लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। पहले ये संत ब्राह्मण से आशीर्वाद दिया, पहले ब्राह्मण संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़े और लाला को आशीर्वाद देते हैं, बोले स्वस्ति नो गोविंद, स्वस्ति नो अच्युतानंद, स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु ददातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सचिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर ददातु, माधवं माधवं काची लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव, जयसांगीति वरस्याम हृदयस्थो जनार्दन। सब आशीर्वाद बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे बच्चे को। अभी नंद बाबा जो पहला अपना बेटा का मुख दर्शन किया, वो मुख दर्शन करते उसने संकल्प ले लिया, बोले क्या संकल्प लिया, बोले जितने ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया दान दूंगा और जितने 7 तिल का पर्वत बड़े सुंदर मखमल कपड़े से ओढ़ करके हम दान दूंगा, क्योंकि तिल दान बड़ा महिमा है, एक एकादशी आती है 60 तिला एकादशी, तिल का बड़ी महत्व है दान देने का है, और गैया दान देने का तो इतने महिमा जो सोच भी नहीं सकते हो, विश्व ब्रह्मांड दान दे दो लेकिन जो गैया केवल एक बछड़ा जो दिया हुआ जो गैया है, तो एक बछड़ा गैया दान देते हो तो इसकी बराबर दुनिया में और कोई दान हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाभी की शरीर में 33 करोड़ देवताओं के निवास, इसलिए कृष्ण का नाम गोपाल, गोपाल मतलब क्या, जो गैया को पालन करने वाले भगवान स्वयं, कहते ना गैया चरावे नंदलाला बहने पोलन की माँ, कृष्ण स्वयं गैया चराने के लिए उन्होंने मचले, पिताजी से लड़ाई की, पिताजी हम गैया चरवाएंगे हैं, हम गैया चरवाएंगे, उन्होंने 20 लाख गैया उन्होंने संकल्प किए हैं, इसलिए कहते वो दान को अक्षय दान माने जाती है, जो बच्चा का नाड़ी छेदन होता है ना, नाड़ी काटते हैं, कहते ये नाड़ी काटने से पहले जो दान है ना, वो दान को सबसे बड़ी दान मानी गई, इसलिए नंद बाबा नाड़ी छेदना पहले से ही उन्होंने संकल्प कर लिया, मैंने ये दान दूंगा, और एक नाई को बोले जाओ ये ब्रजमंडल में ढिंडरा बिठवा और नंद के लाला भयो है, सबके सब बधाई देने के लिए आए, और गोपियाँ वो तो 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे, बोले हम इसको पहन करके नंद को लाला को उत्सव देने के लिए जाएंगे, गोपियाँ एकदम 16 श्रृंगार 12 आभरण पहन करके हैं, एक मटके में दही, एक में दूध, एक में मक्खन, एक में घी हैं, पूरा सर को पर रख करके वो आ रही थी बधाई देने के लिए, और आते समय जब बधाई देने के लिए आ रही थी, जो कान में जो कुंडल पहन रखी थी, फोटो कान में जो उन्होंने कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था, मानो कुंडल यह बता रहा था गोपियों तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें पहले छोड़ दो, हम पहले जाकर कृष्ण को हम बधाई देना चाहते हैं, चोटी में जो सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, वो एक एक फूल गिरते हुए गोपियों के चरणों के ऊपर गिर रहा था, बोले क्यों, बोले जो गोपियां कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं जन्म उत्सव में उनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए हैं, सबके सब गोपियां आ रही थी, आकर के उन्होंने मैया जसोदा को गोपियों ने बधाई देती, देखो ध्यान देख तब कोई आंख बंद मत करो, इस तरफ में जितने बैठे हो आप सब मैया जसोदा की दल के, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग को बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना, क्योंकि आपको बारी के बाद में इनकी बारी आएगी, हम देखें कितना किसका आवाज कितना जोर से होता है, हारना नहीं, ठीक है,
बोले मैया जसोदा बधाई हो। अभी इनका नंबर आ गया, जितने गोप लोग थे वो सबके सब श्री नंद बाबा को बधाई दे रही थी। बोले नंद बाबा बधाई हो। इन्हें गड़बड़ी कर दिया, लेकिन कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन गोपियां हर समय जीतती हैं। गोपियां हर समय राधा रानी का बेटी जीत जाती है, कन्या का बेटी हारती है। और देखो जब राधा रानी जीत जाती है ना, कृष्ण राधा रानी को जीत को देखकर कृष्ण खुश होते हैं। अगर कृष्ण का जीत हो जाए ना, कृष्ण तो खुश होते हैं लेकिन इतना खुश नहीं होते हैं। लेकिन राधा रानी का जहाँ पर, इसलिए कृष्ण मयूर पंख क्यों लगाए, वो मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। मानो सारा दुनिया में राधा जी की महिमा को वो जगत में प्रचार करते हैं। यहाँ पर एक इमली तला एक स्थान है, इमली तला देखे हो, जहाँ पर कृष्ण राधा जी की चिंता करते करते स्वयं अपना काला रंग को छोड़ करके वो गौर रंग बन गए थे, हैं? इसलिए उनका नाम गौर हरि। कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, इसका एक कारण है राधा जी की प्रेम की महिमा को कृष्ण समझे। इसलिए उसी वृक्ष को नीचे कृष्ण स्वयं राधा रानी को उन्होंने सिंहासन में बैठा करके अभिषेक उन्होंने करवाए, कृष्ण स्वयं सोने के कलश में। और उन्होंने पूरा ब्रजमंडल में उन्होंने प्रचार किया है। आज का आज से ये ब्रज का जो रानी है, कौन है श्री रानी है, कहते श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर सबके सब राधा रानी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहते कृष्ण राजा, कोई बोलते कृष्ण राजा, सबके सब कहते राधा रानी है। इसलिए जब सबके सब बधाई दे रही थी ना, इतने में जितने सब गोपियां ने मैया जसोदा नंद बाबा बोल रहे थे, हे ब्रजवासियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में भी हमने लाला का मुख दर्शन किया है। ये लाला मेरी नहीं, लाला तुम सबका लाला है। और जितने गोप गोपियां ना सब कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या दे रही थी, बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो इतने में कहते ब्रज में दो राजा है, नंद और विश्वभर महाराज। विश्वभर महाराज कौन है, राधा रानी के पिता और माता जी का नाम। कर कर ये दोनों राजा है ना, ब्रज में पास पास में रहते थे, ज्यादा दूर में नहीं रहते थे। जब कृष्ण गोकुल में रहते थे रावल में वृषभानु महाराज, फिर जब उनमें गोकुल छोड़ करके चले गए नंद गांव, फिर वृषभानु महाराज रावल छोड़ करके बरसाना चले गए। ये दोनों पास पास में रहते थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी दोनों में, हैं? इसलिए इनके घर में उत्सव हो उनको बुलाते थे, उनके घर में उत्सव हो और इनको बुलाया करते थे। जब नंद के लाला भयो उन्होंने श्री वृषभानु महाराज मित्र को बुलाया, मेरे लाला की नंद महोत्सव में आओ। अभी सबके सब ब्रजवासी तो आ गए, लेकिन केवल श्री वृषभानु महाराज कृतिका मैया नहीं आई। इतने में देखते देखते दोनों वहां पर प्रवेश करते हैं। जब वहां पर दोनों प्रवेश किए, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, मित्र आ गए। अभी ये नंद महोत्सव अभी प्रारंभ होनी चाहिए, और श्री कृतिका मैया राधा रानी की जो माँ थी, रानी है ना, एकदम बढ़िया सज धज करके 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके बड़े सुंदर चुनरी ओढ़ करके जब उन्होंने प्रवेश की, मटकी में दूध दही मक्खन था और एक गोप ने एक डंडा लेकर के गए और मटकी में मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और कृतिका मैया तो दूध दही में स्नान कर लिया। एक दही का भी होता है, दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगाते हैं, इसको मंगलवाची कहते हैं। एक दूसरों को ऊपर में लगा रहे थे, वहां पर इतना कीचड़ बिगड़ हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरों को ऊपर गिर रहे थे
और सबके सब गा रहे थे, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 फेंक रहे थे हैं। और एक एकदम बड़ी बूढ़ी थी जिसकी 100 साल की, जिसकी एक भी दांत नहीं थी, वो ऐसे करके देख रही थी, बोले भैया बड़े जोर से नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने तो उठाया एक मक्खन की ढेला और उसका तो एक दांत नहीं थी, उसका मुंह का नजर करके मारे तो मुंह में लगते ही ना सीधा अंदर में चटक गए। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। और वहां पर इसे कीचड़ कीचड़ हो गया, सबके सब गिर रहे थे, फिसल रहे थे हैं। और वहां पर नंद बाबा बैठी बैठी करके देख रहे थे। नंद बाबा का राजमहल है साधारण नहीं, और राजमहल में उनका जो आंगन बहुत बड़ी इनकी आंगन थी, इतने दूध दही मक्खन लाए थे, पूरा के पूरा भर गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खीर समुद्र है, हैं? कोई खीर समुद्र है। नंद बाबा बैठे बैठ कर देख रहे थे। अभी ब्रजवासी जितने थे नंदगांव बरसाना के, बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख ये सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे हैं, तो बैठ बैठ कर देख रहे हो, कम आज थोड़ा नाच ले। उनको पकड़ करके ले आए, बोले कहाँ ले आए पकड़ करके, बोले एकदम उसको बीच में ले आए। नंद बाबा कमर में फेटा बांध कर रखते, एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप पकड़ते। नंद बाबा देखने में जैसे लंबे चौड़े गौरवर में थे, जब उनको बीच में खड़े कर दिया ना, ऐसे लग रहा था जैसे खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल जो हम लोग ने सुना था देवता दैत्य मिलकर की ये लवण समुद्र का मंथन की। देवता दैत्य कौन है? एक रजोगुणी एक तमोगुणी। लेकिन ये अभी जो मंथन होने जा रहे हैं, एक तरफ में बरसाना की गोप, दूसरे तरफ में नंदगांव की गोप, ये सबके सब निर्गुण है। कल जो हमने समुद्र मंथन सुना था उसमें 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते पर कि रमा क्रीड़न अभूत नृत। नंद बाबा इतने दान दिए ना, सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था, पूरा अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ, मानो कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है, ऐसे लग रहा था। अभी प्रश्न है भैया इतने कहाँ से सोने चांदी लाए, जो कि गली गली अभी बिखर रहा है। बल्कि क्योंकि जब यहाँ कृष्ण जन्म हुए, मूल जो लक्ष्मी को श्री राधा रानी, सर्व लक्ष्मी में राधा रानी, राधा रानी भी प्रकट हो गई, रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया। आज मेरे प्रियतम की उत्सव में ऐसे दान दक्षिणे दिया जाए, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक लोग याद करे, क्या याद करे, कृष्ण की जन्म उत्सव में कितने दान दी गई है। कहते वहां पर धन कुबेर भी आया था, नंद बाबा का दान को देख करके ना वो भी लज्जित हो गए। वहां पर श्री शंकर भी आए थे। शंकर जी का वाहन कौन है? शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी है। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दिया, इसको देख करके शंकर भी डर गए। बोले क्यों क्यों डर गए? बोले 20 लाख गैया जहाँ दान दे रहे, अब समझ सकते हो। बोले भैया मेरे वाहन भी तो नंदी है, ऐसे नहीं 20 लाख गैया को देते देते भूल से मेरे नंदी को अगर दान को दे दिया तो फिर मेरे वाहन चला जाएगा, तो फिर बैठ कर किसे जाऊंगा। इसलिए शंकर जी उसको पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, कहते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। कहते वहां पर इतने हाथी घोड़े दान दिए, इसको देख करके माता पार्वती भी डर गई। बोले क्यों? बोले पार्वती के भी 2 बेटे हैं, कौन कौन है? कार्तिक और गणेश। बोले गणेश का सर कैसे है? हाथी का जैसे गजानन है। बोले भैया इतने हाथी दे रहे हैं, ऐसे नहीं हाथी को देते देते मेरे गजानन को तो दान में नहीं दे देंगे, हाथी मान करके फिर मेरा बेटा चले जाएगा, वो तो अपना गोद में लेकर तो चुपका करके खड़ी हुई थी। इसलिए सब के सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो, लेकिन सबके सब तो नाच रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं नाच रहे थे।
बोले कौन नाच नहीं रही थी, कौन नहीं नाच रही थी, सब नाच रही थी, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां नाच नहीं रही थी। बताए आपको कौन है, कौन है? कहते माता रोहिणी। बोले रोहिणी क्यों नहीं नाच रही थी? बोले वो प्रोसित भत्रिका। बोले प्रोसित भत्रिका का मतलब क्या? बोले जिसका पति दूर देश में और विपत्ति में हो। पति कौन है? वसुदेव महाराज। कहाँ पर? मथुरा में। बोले किस रूप में? बोले जेल में बंद हो। अगर जिसका पति अगर जेल में बंद हो, उसकी पत्नी सबके सामने नाचेगी? वो नाच नहीं सकती है। इसलिए केवल रोहिणी एकदम दुखी होकर के बैठी हुई, क्यों? पति जेल में। नंद बाबा देखा सबके सब यहाँ नाच रहे हैं, लेकिन घर का सदस्य ही नहीं नाच रही है। कौन से? रोहिणी। जाकर के बोले रोहिणी घर में तुम दो ही स्त्री हो, एक जसोदा एक रोहिणी। अभी जसोदा को जन्म दिया बच्चे को, अभी तो कुछ घर का काम नहीं कर सकती है ना। अभी तू, अभी घर का काम तो तेरे को देखना पड़ेगा ना। हाँ हमें पता है तुम प्रसिद्ध भत्रिका हो, लेकिन लाला को आशीर्वाद दे सकते हो। तब इन्होंने श्री बलदेव प्रभु 15 दिन पहले बलदेव जन्म हो गए, लेकिन बलदेव जब से जन्म हुए तब से वो आँख बंद करके जन्म हो गए। कहते पहला आँख खोलूंगा तो कृष्ण को देखूंगा। इतने में रोहिणी कृष्ण को बलदेव प्रभु को लेकर के कृष्ण को पास में लेटा दिया। इतने में ताऊ भैया आँख खोल दिए, क्यों? देखा कृष्ण को सामने आ गए ना, उन्होंने आँख खोल करके कृष्ण को देखा। जितने भी रोहिणी दुखी तो थी, लेकिन जब देखा लाला ने आँख खोल दिया ना, बस रोहिणी भी उनके आनंद की सीमा नहीं रही। रोहिणी भी वहां पर धुमुक लगा करके रोहिणी भी नाचने लग गई। इसलिए श्री भागवत में कहते हैं रोहिणी च महाभागा। कहते रोहिणी कौन है? बड़ी भाग्यवती। बोले क्यों? यहाँ भाग्यवती पर क्यों कर रहे? बोले कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन जन्म उत्सव कहाँ पर हो रहा है? गोकुल में। मथुरा में जन्म उत्सव नहीं हुआ है, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया ये गोकुल में उत्सव हो रहा है, लेकिन मथुरा के कोई भी व्यक्ति ये नंद महोत्सव में अंश कोई ग्रहण नहीं किया। अंश ग्रहण किया तो एक रोहिणी ग्रहण की। इसलिए गोस्वामी जी कहते रोहिणी च महाभागा, ये मैया रोहिणी बड़ी भाग्यवती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। हमारे प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे, आप लोग भी बधाई गो। अब सबके सब कल तो मथुरा में हुए ना, कल मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए हैं, आज कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। अरे भगवान की जन्म उत्सव में नाचने का बड़ा पुण्य है। देखो हम सबके सब नाच रहे हैं, बता कौन नहीं नाच रहे हैं? कोई पति को सामने नाचती है, कोई सास को सामने, कोई ननद को सामने, कोई पति को सामने, कोई बेटा का सामने, कोई नौकरी को सामने, कोई पैसा को सामने, नहीं तो 84 लोग के जन्म हम नाच रहे। बोले कब तक नाचोगे? बोले तब तक नाचोगे जब तक भगवान की जन्म महोत्सव में नहीं नाच लोगे। आज का दिन नाच लोगे ना, सबके सामने नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी, सबके सामने फिर नाचना बंद हो जाएगा, ठीक है? अगर ठाकुर की कीर्तन में नहीं नाचोगे जन्म उत्सव में, फिर सबके सामने नाचोगे। ये सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के आज कृष्ण की जन्म उत्सव में नाचने का है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। किया जो मन थी सी ब्रज नारी बनी, आज भर थी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, तेरा से प्यार बनी गल में जो रस खीर से रोए निरूप रसाला, हर नंद महीप बने नमकीन, गोल गोप सब गरम मसाला, अरे जायो यशोदा जब भी सिराली ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाला, अरे जायो यशोदा जब भी सिराली ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाला, अरे जायो, अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए, जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए।
मैया कहाँ लुटावे अरे मैया लुटावे रसे गुल्ला मोहल्ला में हल्ला जो कहे करो मैया लुटावे रसे गुल्ला अरे हल्ला जो कहे करो गुल्ला तो फंस गयो हल्ला जो कहे Thank you.